जय गुरु। चलिए 322वां वर्चुअल ऋतिक सम्मेलन में आचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री दादा ने जो स्पीच दिए थे उसके बारे में आलोचना करेंगे। पुरुषोत्तम भूतपूर्व पुरुषोत्तम के फुलफिलर द ग्रेटेस्ट फुलफिलर ऑफ ऑल द पास्ट प्रोफेट्स है। यही तो है जो बौद्ध है वे दीक्षा लेकर बौद्ध ही रहते हैं, अन्य किसी में उनका परिवर्तन नहीं होता है। ईसाई भी वैसे ही है, ईसाई जो है वे ईसाई ही रहते हैं। मेरा एक अमेरिकन दोस्त है, उसकी माँ कट्टर ईसाई है। उसको कहा कि वो आखिर में हिंदू हो गई। वो बोली, मैं हिंदू नहीं हुई, मैं ठाकुर को एक्सेप्ट की हूँ। आज ए गाइड ऑफ माय लाइफ और ठाकुर के नज़दीक आकर मैं ईसा मसीह की प्रयोजनीयता मेरे जीवन में कितनी है उसे सीख पाई हूँ। उनसे प्रेम करना सीख पाई हूँ। ठाकुर को जो लोग ग्रहण किए हैं वे लोग ऐसी छोटी छोटी जीवन और बुद्धि में स्वयं को उन्नत बनाए हैं। और एक बात है ठाकुर, लेकिन ठाकुर ही क्यों? मान लीजिए मैंने कहा ईश्वर, ईश्वर प्रति प्रत्येक की सत्ता को बचने बढ़ने का रास्ता दिखलाते हैं। बात है एक टीवी स्टेशन है वो चल रहा है, मैं यदि स्टेशन नहीं लगाता हूँ क्या मैं देख सकूँगा? नहीं देख पाऊँगा। इसका अर्थ है ट्यून्ड होकर रहना होगा ठाकुर के साथ, अपनी सत्ता के साथ ऐसा बंधन रचना करना होगा जिससे हम लोग सब समय इन ट्यून विथ माई लॉर्ड रह सके। यही है साधना। ठाकुर से प्रेम करना चाहिए, ठाकुर को अपने जीवन देवता मानकर ग्रहण करना चाहिए और उनके मनोग्राही होने के लिए साधना करनी चाहिए। इसके माध्यम से ही मनुष्य का विकास है एवं वृद्धि पूर्ण हो जाता है। एक बात याद रखिएगा, यह है अनंत पद की परिक्रमा। आमरण मृत्यु के विरुद्ध युद्ध है, यह लेकिन चलते रहेगा। इस प्रसंग में आप लोगों को एक बात बतलाता हूँ, आप लोगों को निश्चय ही अच्छा लगेगा। हम लोग के पास जितना समाचार मिलता है करोड़ों इष्ट भ्राताओं में मात्र कई लोग अपनी गलती के कारण प्राण त्यागे हैं। जो संक्रमित हुए थे पूरे पृथ्वी में सर्वत्र वे लोग सभी स्वस्थ हो गए हैं। आप लोग स्वस्थ रहे, इष्ट प्रतिष्ठा में स्वयं को इन्वॉल्व रहे, सभी को इन्वॉल्व रखे। बचने का रास्ता यही है, और कोई रास्ता नहीं है। यह जो इष्ट आश्रित जीवन चलन है वो आत्म प्रतिष्ठा के लिए नहीं है, लक्ष्य है इष्ट प्रतिष्ठा, यानी हर एक जीव के जीवन प्रतिष्ठा करने का अजय अभियान है। जब ही आत्म प्रतिष्ठा का मोह स्वयं को घर दबा देता है उसी वक्त मनुष्य इस पद से हट जाता है। आप लोग इष्ट प्रतिष्ठापन्न हो जाए, इष्ट का साथ ही आप लोगों का स्वार्थ हो, अपने स्वार्थ की विवेचना नहीं कीजिएगा। सभी को स्वस्थ रखें, सबको लेकर अच्छे से रहें और अधिक अच्छाई की तरफ सभी को लेकर जाएं। यही है जीवन की साधना। ठाकुर आप लोगों से यही चाहते हैं। आप लोगों को मेरे अंतर की शुभकामना व्यक्त करते हुए समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें, स्वस्ति आनंद कल्याण के अधिकारी बने, परम पिता के रातुल चरणों में
यही मेरी प्रार्थना है। परम पिता आप लोगों का मंगल करें। वंदे पुरुषोत्तम प्रत्यास रहित प्रीति संवेग से व्यथित हो जितना सको मनुष्य को दो, या सहानुभूतिपूर्ण दान ही जीवंत होकर तुम्हारी दीनता को दंडित करने में कृपणता नहीं करेगी। दुख आएगा ही और वो सभी के लिए आता ही रहता है। दुर्बल नहीं हो उसका निराकरण करो। अपने चलन को इसी प्रकार सुशृंखल करो जिससे भविष्य में वो तुम्हें कमी ही स्पर्श कर सके। जीवित रहने ही से मन में प्रत्याशा कुछ न कुछ रह ही जाती है। कम से कम प्रीति प्रत्याशा जिसके अवतलित होने से हृदय टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। अतः मनुष्य को निराश मत करो। ईश्वर में स्थिर रहकर सक्रिय प्रीति कार्यों से सचेतन रखो। तृप्ति पाओगे और स्वस्थ रहोगे। अग्रसर हो, अपव्ययी मत हो, उन्नत होकर विवेचक दृष्टि सहित आचरण करो। लाभवान हो गए तुम्हें देखकर दूसरों को भी पथ मिलेगा। तुम जो ही कुछ करोगे उसे जल्द ही करोगे, बाकी नहीं रखोगे, अन्यथा धोखे में पड़ोगे। मनोयोगी हो, एकाग्र भाव से सहानुभूति सहित बोध तथा व्यवस्था भी कर सकोगे। अंतर्निहित द्वंद्व ही प्राय एकाग्रता का बाधक है। जो बोध करना चाहते हो निर्द्वंद होकर उसका एकाग्र चिंतन करो। समझो, विवेचना करके विश्वास करी सिद्धांत सहित उपस्थित हो। यदि बोल सको अच्छा ही है, किंतु अज्ञान मत हो, व्यर्थ नहीं हो, किसी को विफल मत करो जिससे तुम्हारी बातें विपत्ति का आमंत्रक न हो। यदि ऐसा करने का उपाय नहीं रहे तब तो चुप रहना ही अधिक अच्छा है। जय गुरु।